ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। जी सर प्लीज। जेल मंत्रालय मेरे को आया, उस तो बाद मैं पहली बार अज कपूरथला की जेल का दौरा किया, प्रशासन को मिले, प्रशासन तो जेल प्रशासन तो पूछा कि कमियां ने, ते कैदियों नाल मुलाकात हुई, ते उन्हां तो पूछा कि समस्यावां ने। सो जिस तरह सुधार घर कहा जाता है, चाहते हैं कि इतों अपन गलतियों का पछतावा करके सज़ा भुगत के इतों बहर जा जो वो काम कार पर लगन, रोज़गार मिले, अपने परिवार से बह के खाना रोटी खा। सो बहुत सारे इस तरह के कैदी ने जिन्हें वकील बाहर कोई करने है नहीं, उन्होंने भी केस असं क्या कि सू जल्द भेजो बहर, उन्होंने लीगल एड दी जाऊगी क्योंकि उन्होंने राइट है। तो प्रशासन वालों एंबूलेंस के डॉक्टर जोड़े ने लंबी अवधि ली, ताकि जो 6 महीने बाद डॉक्टर बदल जाता तो सारी जेल का फिर दोबारा हिस्टरी उन्होंने नवे डॉक्टर दसी पैदा। सो ये वास्ते भी प्रशासन ने गल की है, बाकी बारे पास भी CCTV कैमरिया का प्रबंध हो, ताकि जी थ्रोइंग होंगी है बहरों मोबाइल या कुछ होर सुट दिता जाता जेलों से, तो वो वास्ते भी अस प्रबंध करा। तो कैदियों के जोड़े हक ने जो कानून के नाम लोग अदालत होंगे उन्होंने भी प्रोटेक्ट करें, और मैं कैदियों भी संबोधन करके आया, उन्होंने अपनी समस्यावान दसियां, तो ताकि अरदास यही है कि वो चलो गलती मनुख तो हो जाती है, लम्हे खता करते हैं सदियों सजा पाते हैं, तो बहर जाके वो जो ये बहर जाके दसनगे कि ठीक है इलीगल तरीके ना कमाया हुआ कोई पैसा 5-7 दिन महीने 5-7 महीने साल तो सहूलत दे सकता, पर आफ्टर ऑल कदे ना कदे फिर तुसी फड़े जाओगे तो जेल जाओगे, और जेल जिहड़ी है आपां इत्थे भी खेडण दा मैदान है, गुरुद्वारा साहब है, हस्पताल है, कंप्यूटर लगे ने, और प्रोग्राम अलग अलग किस्म के चल रहे, रेडियो भी जेल दे विच हैगा कैदियों मनोरंजन वास्ते या इनफॉर्मेशन, पर फिर जेल तो जेल है। सो यही अरदास करते हैं कि वह अपने परिवारों जान, जाके परिवारों लोगों भी दसन कि आप एक वधिया समाज की सिरजना करिए, सुधार घर है इतों सुधर के जाइए, ना कि यह हो बाहर केस दो सीगे, अंदर आके कोई बुरी संगत च पै के जिहड़े अंदर होर वड्डे केसां च बंद ने उन्होंने रल के कित इतों होर ना बिगाड़ लिए अपने केस। बाकी कुछ पेशियां मिस हो जाए ने प्रशासन वालों दसा गया, कई बार बहरली पुलिस फोर्स नहीं मिलती टाइम से, तो हम वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही जोड़ा वो प्रबंध किए जा रहे हैं, चल रहे, बजट पास हो गया, चल रहा वो बिल्डिंग बन रही है, ताकि कोई किसी भी पेशी ना मिस हो। पेशी मिस होने का मतलब है महीना गया तो महीना इतने वध रहेगा, अगली पेशी तो जो हो सकता उस पेशी से उन्होंने जमानत मिलती हो, साढ़े लिए भी ये जड़ा ईजी हो जूगा कि जेलां ओवरक्राउडड हो पे, छोटे छोटे केसां भी इतने ने, अंडर ट्रायल भी इतने ने। सो कोशिश यही है कि उन्होंने कैदियों के जोड़े हक ने उन्होंने प्रोटेक्ट किया जाए, तो नाल दी नाल इतों उन्हों का टाइम जोड़ा इतने का वो कोई स्किल डिवेलपमेंट लग जाए, कोई मोमबत्तियां बनाते हैं, कोई LED बल्ब बनाने बारे विचार चल रहा है, कुछ भी कोई किसी कला है वो इतों अपनी कला नू, अपने इस टाइम में एक कला ज स्किल वास्ते वरते, ताकि बाहर जाके उस स्किल ना वो अपने परिवार का गुजारा भी कर सके। ये सिम साहब जिदा तुसीं आप ही कहा कि ओवर क्राउडेड ने जेलां पंजाब दीआं, कई कोई नवीं प्रपोजल भी है जी उन्हां होर पंजाब च वधाउण।
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने उन्होंने सानू एक दी हुई है, असं उन्होंने गलबात कर रहे हैं। तो एक तो बहुत सारिया जेल जो आबादी आ गई, ठीक है ना, तो बहुत जेल जो बाहर हो, उ कोई थ्रोइंग वाला जो होर सिस्टम।